बीए एडिशनल, बीएससी एडिशनल, अतिरिक्त स्नातक के बारे में बहुत सारे जो क्वेश्चंस लगातार मेरे चैनल्स पर मुझे कमेंट्स के रूप में देखने को मिलते हैं, सर इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसे एडमिशन्स होगा, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या प्रोसेसिंग है इसकी, वैलिडिटी के बारे में और इसका भविष्य में क्या क्या यूज़ हो सकते हैं उसके बारे में लगातार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उन सबके मैं आज इसके वीडियो में कम्प्लीट बीए बीएससी एडिशनल के बारे में कम्प्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस 21वीं सदी की पढ़ाई हर कोई एक स्टेप्स आगे रहना चाहता है, ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद जैसे आप अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करें, तीन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद ही लगातार कोई मतलब टीचर्स भर्ती में देखते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट में कमांड के लिए या फिर आप एडिशनल में डीपीसी प्रमोशंस के लिए लगातार जो बीए एडिशनल और बीएससी एडिशनल का चलन बहुत ज्यादा चल चुका है, तो उसके बारे में अलग अलग उद्देश्य लेकर अपने एडिशनल बीए करते हैं, कई बार जो सब्जेक्ट पर कमांड है उसके नॉलेज के लिए भी कई बार एडिशनल की जाती है। तो साथियों, उसके बारे में कंप्लीट अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी जो मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 3 वर्षीय जो ग्रेजुएशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके साथ ही आपका ऑनर्स अगर आपने मान लो कर रखी है, ऑनर्स में कर रखा है ग्रेजुएशन, तो भी आपका कंप्लीटली चलेगा एक सब्जेक्ट में स्पेशली, तो भी आप उसमें एडमिशन्स के लिए पात्र हैं। अगर आपने यूपी जैसे स्टेट्स में कई बार 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करवा रखी है, उस टाइप की अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप इसमें बीए एडिशनल या बीएससी एडिशनल जो भी आपने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल है। ये तो बात होगी आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद डायरेक्ट अगर आप सोचते हैं मैं केवल 1 साल में एडिशनल की डिग्री ले लूँ, साथियों वो पॉसिबल नहीं है, आपको पहले 3 वर्षीय जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको करना होगा, उसके बाद उन सब उसमें जो अगर सब्जेक्ट नहीं था तो उसके अतिरिक्त आप कोई सब्जेक्ट में और आप अतिरिक्त एडिशनल करना चाहते हो, लेना चाहते हो एडिशनल की डिग्री, तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है यहां पर। और जो साथियों आपको एडिशनल में क्या प्रोसेसिंग रहती है, साथियों बीए और बीएससी एडिशनल में जितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वीओएम कोटा इंस्टीट्यूट में उन सब में आप एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, कितनी कितनी फीस है, उसकी जानकारी मैं अभी आगे देने वाला हूं। एडिशनल में क्या प्रोसेसिंग रहती है उसकी बात करूं साथियों, अगर आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था उसके अलावा आपकी जो संकाय है उसमें अगर आप करना चाहते हैं उसके अतिरिक्त सब्जेक्ट में, तो उसमें आपको एडमिशन दे दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको कंप्लीटली जो 3 साल के जो पेपर होते हैं, जैसे मान लो आपने बीए एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया, तो बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश वाले सब्जेक्ट, सेकंड ईयर के इंग्लिश वाले, थर्ड ईयर के इंग्लिश वाले, 6 के 6 पेपर आपके एक साथ 1 साल में करवाकर आपको एडिशनल की डिग्री दे दी जाएगी। वहीं अगर बीए मैथमेटिक्स की बात करें तो यहां पर भी सेम प्रोसेसिंग रहने वाली है, आपके 3 जो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में 3, सेकंड ईयर में 3, तो टोटल 9 सब्जेक्ट के पेपर 1 साल में करवाकर आपको जो है डिग्री दे दी जाएगी। उसके बारे में अगर आप स्पेशल बीए एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर, बीए एडिशनल मैथमेटिक्स, उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो बना देना, बाकी इस बारे में इस वीडियो में आपको कॉमनली सब्जेक्ट के नाम, टोटल फीस कितनी वो जानकारी दे ही रहा हूँ। एडिशनल की बात करें टोटल आपको न्यूनतम 1 साल में आपकी पूरी होगी, अधिकतम आप 3 साल तक कर सकते हो, एबसेंट रहते हो या फिर मान लो कुछ किसी कारण से एग्जाम वगैरह नहीं दे पाते हो, बैक आ जाती है, तो आपको अधिकतम 3 साल तक मौके मिलते हैं कि आप इस डिग्री को कंप्लीट कर पाएं। ये तो बात होगी अवधि की, एलिजिबिलिटी की बात मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अगर आप एडमिशन की बात करें, जैसे मान लो बीए में किसी सब्जेक्ट में एडमिशनल करना चाहते हो तो आपने बीए कर रखी तभी आप उसमें बीए के एडिशनल में कर पाओगे, अगर आपने बीएससी कर रखी और बीए मान लो बीए के इंग्लिश लिटरेचर में आप एडिशनल करना चाहते हो तो आप उसके लिए पात्र नहीं हो। हालांकि बीएससी वालों के लिए बीए के कुछ सब्जेक्ट हैं जो दोनों में इक्वल माने जाते हैं, दोनों में गिने जाएंगे, वो बीए में भी आते हैं बीएससी में भी आते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर अगर आपने मान लो बीए कर रखी और आप चाहते हो बीएससी में मैं एडिशनल कर लूं फिजिक्स में, तो वो भी आप पॉसिबल नहीं, आपकी जो संकाय है उसी में आप एडिशनल कर पाओगे। अगर आपने बीए कर रखी है तो आपको बीए एडिशनल के सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है, बीएससी कर रखी है बीएससी एडिशनल के सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है। बीकॉम एडिशनल का वीओएमयू कोटा के संदर्भ में बात करूं तो आपको यहां पर एडिशनल का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बीकॉम के लिए बीए बीएससी एडिशनल में सब्जेक्ट अवेलेबल है, ये आपको मैंने बताई दिया। आपको जिसमें एडमिशन बीए है तो बीए में आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं शास्त्री वाले बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, शास्त्री अगर आपने कर रखा है तो वहां पर भी आपको एडिशनल के लिए एडमिशन के लिए आप पात्र नहीं है, शास्त्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं जानकारी दे देना चाहूंगा। वहीं अगर आपने मान लो बीए में अगर आप एडिशनल करना चाहते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट में यहां पर अवेलेबल है उसकी बात करूं तो साथियों बीए एडिशनल की अगर आप बात करते हैं यहां पर तो आपको कंप्लीटली इकोनॉमिक्स एजुकेशन में आप बीए एडिशनल कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, गांधी एवं शांति अध्ययन में आपको यहां पर स्पेशल ऑप्शन देखने को मिलता है, हिंदी साहित्य, इतिहास, पत्रकारिता एवं जनसंचार, गणित, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, राजस्थानी, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, मनोविज्ञान, ज्योग्राफी, ये हैं टोटली आपको जो बीए के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने बीए कर रखा है और मैथमेटिक्स में एडिशनल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके लिए भी एलिजिबल है, ये सब्जेक्ट तो बीए के टोटली अवेलेबल है। बीएससी एडिशनल की अगर सब्जेक्ट की बात करूँ यहाँ पर तो टोटली आपको जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषय जो इकोनॉमिक्स है वो बीएससी वाले भी एडिशनल
के रूप में कर सकते हैं, ज्योग्राफी भी बीएससी वाले कर सकते हैं, बाकी गणित तो उनके लिए लागू है ही। तो ये तो हो गए टोटल बीए के सब्जेक्ट और बीएससी के सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी। अब अगर बात करते हैं इनकी फीस की, जो आपकी अवधि पूरी होगी एक साल में कोर्स भी, तो बीए में अगर आप देखते हैं तो गणित एवं भूगोल के अतिरिक्त जितने भी लगभग जो सब्जेक्ट हैं मनोविज्ञान को छोड़कर, उन सबके जो कॉमनली सब्जेक्ट जितने भी लिटरेचर वाले और जो भी सब्जेक्ट आगे मैथमेटिक्स वगैरह टोटली, उनकी जो मैथमेटिक्स को छोड़कर साथियों मैथमेटिक्स की आपकी यहाँ पर टोटली फीस लगने वाली 6000 रुपये, चाहे आप बीए एडिशनल में मैथमेटिक्स लेते हैं या बीएससी एडिशनल में मैथमेटिक्स लेते हैं, आपकी 6000 रुपये फीस लगेगी। उसके बाद लिटरेचर वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, उर्दू हो गया या फिर जो भी सब्जेक्ट है विदाउट प्रैक्टिकल वाले, उनमें आपकी 4400 रुपये आपकी फीस लगने वाली है बीए एडिशनल में। उसके बाद अगर आप बीए एडिशनल के रूप में ज्योग्राफी लेना चाहते हैं या फिर बीएससी एडिशनल में ज्योग्राफी से करना चाहते हो, दोनों में मिल सकता है एडमिशन, तो उसकी फीस रहेगी आपकी 5400 रुपये इसमें लगेगी। बीए में अगर आप इकोनॉमिक्स में लेना चाहते हैं, बीएससी में अगर इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एडिशनल के रूप में, तो यहाँ पर आपकी जो फीस रहेगी टोटली 4400 रुपये इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी। यहाँ पर बीए मनोविज्ञान में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो एडिशनल के रूप में फीस रहेगी 5400 रुपये। तो ये तो मैंने बीए के सब्जेक्ट का बता दिया। बीएससी में अगर आप एडिशनल की बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटली जो नॉर्मली फीस होती है जितने भी ये जीव विज्ञान हो गया, बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, तो इन सब सब्जेक्ट में टोटली आपकी 14200 रुपये फीस आपकी बीएससी एडिशनल में एडमिशन लेते हैं तो लगने वाली है। उसके बाद मैंने आपको बीएससी अगर ज्योग्राफी में ले रहे हैं तो आपके 5400 रुपये, बीएससी अगर इकोनॉमिक्स में ले रहे हैं आप एडिशनल 4400 रुपये आपकी ये फीस लग जाएगी, बाकी मैथमेटिक में वही 6000 रुपये आपकी फीस रहेगी। तो इन सब्जेक्ट में आप बीए बीएससी एडिशनल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट अवेलेबल है उसी में आपको एडमिशन मिलेगा, उसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। और जो सब्जेक्ट की लिस्ट है टोटली मैंने आपको बता दी, तीनों साल के पेपर एक साल में करवाकर आपको अतिरिक्त स्नातक की उपाधि दे दी जाती है। तो उसके साथ आप अगर आपकी जो कहीं फ्यूचर में आप अगर करना चाहते हैं तो आप बीए बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। इस रिलेटेड कुछ और क्यूरीज है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका शॉर्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। बीए में साथियों यहाँ पर वीओएमयू कोटा में एडमिशन साल में 2 बार करवाए जाते हैं, एक तो जुलाई सेशन में होते हैं और एक बार जनवरी सेशन में एडमिशन करवाए जाते हैं। तो अभी जुलाई सेशन वाले रनिंग में चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने एडमिशन कैसे होंगे वो क्या होगा उसके कंप्लीट मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।